अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल आपका? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर विंडो एड कर सकते हैं। मुझे एक व्हाट्सअप पे और एक चैनल पे मुझे मिला है कि एरर आ रहा है भाई, एरर आ रहा है विंडो एड करने में, इंस्टॉल करने में एरर दे रहे, नहीं हो रही इंस्टॉल। तो मैंने सोचा चलो यार आपको ना मैं इंस्टॉल करने का तरीका बता दे। तो मैंने फुली गाइड की इसके अंदर कि आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है कैसे नहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। आपने अपनी DVD या पेन ड्राइव की मदद से उसको बूट करवा देना है, ठीक है। बूट मेन्यू का आपको पता ही होगा कि क्या चीज़ है। अपनी मेन CD डालनी है, ठीक है, और प्रेस एनी की ऑप्शन आएगा, आपने को ये प्रेस एनी की दबाना है और आपकी विंडो इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपसे पूछेगा आप अपनी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करो। तो दोस्तों, लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, कंट्री वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने चेक कर लेना कि हमने ठीक लगाया। तो अगला स्टेप ये है कि आपसे पूछेगा कि आप विंडो 10 को इंस्टॉल करना चाह रहे हो कि नहीं, या कोई रिपेयर वगैरह करना चाह रहे हो। मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो इंस्टॉल नाउ के बटन पर आपने क्लिक कर देना, जहाँ पर मेरा माउस का तीर है, ठीक है, कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और इसके अलावा आपके सामने कुछ ये स्टेप आ जाएगा, जिस स्टेप के ऊपर, इस पेज के ऊपर लिखा होगा सेटअप इज स्टार्टिंग। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये आपके PC पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में ये कवर करता है, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट लग सकते हैं आपके। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, आपने मार्क लगा देना, ठीक है, आई एप सेट वाले ऑप्शन पे, और नीचे नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना, कॉर्नर पे जो लिखा हुआ है नेक्स्ट, और मार्क आपने लाजमी लगाना है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक पेज और ओपन होगा, आप उस पर लिखा होगा कस्टम इंस्टॉल विंडो ऑनली एडवांस, आपने इस पर क्लिक कर देना, ठीक है, कस्टम विंडो पे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा। अगर आपके पास लोकल ड्राइव पहले से मौजूद है, बनी है, तो आपने उसको फॉर्मेट कर लेना और इंस्टॉल कर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास विंडो का पार्टीशन नहीं है, आपने बनाना है, तो आपने न्यू के बटन पे क्लिक करना है और आपने अपना पार्टीशन बना लेना है। मैं न्यू पे कर लेता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ। अब मैं इसको 30 GB का बनाने वाला हूँ, ठीक है। 30,000 मैंने लिख दिया, और अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। 1000 MB का 1 GB होता है, ठीक है, 1000 MB 1 GB होता है, ठीक है। तो 1024 MB का 1 GB, मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और लोकल ड्राइव बन जाएगा, ठीक है, और आपके सामने ये ऑप्शन पूछे, तो आपने ओके कर देना, ठीक है। ओके करने से मिला दिया कि आपके पूछ रहा कि पार्टीशन कंफर्म करें कि आप बनाना चाह रहे हो। तो आपके सामने ये देखिए 30 GB का एक बन चुका है। तो मैं इसको फॉर्मेट कर लूँगा, अगर आप चाहो तो फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहली विंडो डिलीट करनी है, तो आपने इसको लाजमी फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट करने के बाद 200 नेक्स्ट के बटन में आपने क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ठीक है। पहले होगी कॉपिंग विंडो फाइल, ठीक है, ये जल्दी हो जाएगी, गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके ये PC पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आपका लैग वगैरह कर रहा है, तो ऊपर आपको आई बटन में मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको देख के इसकी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह ही आपने सारे आपके स्टेप कंप्लीट होंगे, ठीक है। आपने कोई बटन दबाना नहीं है, ठीक है, पीछे हो जाओ, बैठ जाओ आराम से पॉपकॉर्न खाओ। और इसके अलावा आपके सामने ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद स्टार्टिंग इन 8 सेकेंड ये आपका PC स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ चीज़ें खाओ पीछे बैठ के। इसके बाद आपके सामने एक ये वाला स्टेप आएगा, ठीक है, जैसे विंडो नॉर्मली ऑन होता है। तो ये फर्स्ट बूट है, फर्स्ट बूट हमेशा थोड़ा बहुत टाइम लेता ही है, आपको पता ही है। तो दूसरा स्टेप गेटिंग डिवाइस, ठीक है, रेडी, ये 100 तक जा सकती है, ठीक है, 100 तक जाती है ऑफकोर्स। तो ये जाएगी, जाने के बाद आपके सामने गेटिंग रेडी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने ये करना है कंप्लीट, कुछ नहीं दबाना आपने भाई, कुछ नहीं दबाना। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आपने एंटर का बटन दबा देना, आपके ये सेटिंग करोगे आप, ठीक है। पर्सनलाइजेशन, आपने यूजर PC का नेम दे देना है, ठीक है, और ऊपर से आपने कलर वगैरह बैकग्राउंड कलर दे देना है, ठीक है, कौन सा कलर, येलो, ग्रीन, वाइट वगैरह, ब्लैक। PC नेम आपने दे देना है अपनी मर्ज़ी से, कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी, ठीक है। और आपने नेक्स्ट के बटन पर आपने सिंपल सा काम है दबा देना है, ठीक है, क्लिक करो जी। और आपने सामने ये पेज होगा, आप ओपन होगा, ठीक है, आपने कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर देना, ना कि आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, जहाँ पे आपको ये मार्क नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने क्लिक किया, और ये आपके सामने एक पेज ओपन हुआ, आपने यस टर्न ऑन शेयरिंग, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट वगैरह, कॉन्टैक्ट टू डिवाइस वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इस पर दबा देना है,
क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन होगा, देन आपने सिर्फ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना, अगला जी अगला भेजो अगला, तो तुसां फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। असां गी सारा कुछ पता, नेक्स्ट ओइया यरा एगिन होएगी। तो अब अगर आपके पास हॉटमेल वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट। अब आपने ईमेल एड्रेस वगैरह और ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपने डाल लेनी है। अगर आपको जिप कोड नहीं पता, आपने गूगल पे जाकर लिखना है अपनी सिटी का नाम और आगे लिखना है जिप कोड, वो आपको जिप कोड दे देगा, आपने उसको कॉपी करके यहाँ पे दे देना, नहीं तो आप सब कुछ ना फिल करो, नेक्स्ट कर दो, ठीक है, खाली नेक्स्ट। और अब आपने आपसे पूछेगा अगर आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो वो डालिए, अगर नहीं है तो लोकल अकाउंट आपने क्लिक कर देना, लोकल अकाउंट पे मैंने तीर खड़ा हुआ है, कर्जर है मेरा खड़ा, ठीक है, वहीं पे आपने क्लिक करना और आपके सामने ये पेज ओपन होगा। वैसे ही जैसे आप विंडो 10 वगैरह विंडो एक्सपी करते हो, यूज़र नेम दो, पासवर्ड दो, हिंट दो, पासवर्ड हिंट दे के थल्ले फिनिश का ऑप्शन करोगे तो ये फाइनल है स्टेप, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने ये कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक और अंग्रेज़ी भाषा में कुछ लिखा आएगा, तो ये कुछ लिखा आएगा, ठीक है जी, चेक आउट द न्यू वे ऑफ विंड वगैरह 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 बला 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 बला, हम पढ़ते तो है नहीं, तो आपके सामने कुछ इस तरह के साइन देगा, आफ्टर योर पीसी इज़ रेडी, ये आपके कुछ साइन देगा कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, मेन्यू कहाँ से आएगा वगैरह वगैरह, आपने इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना, या टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इनको ऐड नहीं करने वाला, तो सो आपने अच्छी तरह से इनको देखना है, ठीक है, भूलिएगा मत, ये ना आप कौन खाते खाते भूल जाओ, फिर आपके सामने ये स्टेप आप आएगा आएगा आएगा, वी आर गेटिंग योर पीसी रेडी, आपके सामने फिर ये चीज़ आ जाएगी, आपका जो पीसी है वो सॉरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है आपका। अब आएगा जी ड्राइवर इंस्टॉल एंड अपडेट स्टेप, आपने इसके कुछ ड्राइवर ख़ुद से इंस्टॉल करने होते हैं, चेक कर लीजिएगा। आपने जाना है जी माई कंप्यूटर पे, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है, ठीक है, आपको नीचे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइव मैनेजर, आपने ड्राइव मैनेजर में आके देख लेना कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और कौन सा नहीं, जो आपको मिलता है ठीक है, जो आपको नहीं मिलता आपने उसको यहाँ से अपडेट कर लेना, जैसे मैंने तीर कर्जर खड़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा है जैसे यहाँ में, यहाँ पर मैंने अपना कर्जर को खड़ा किया हुआ है, ठीक है, आपने वहीं पर क्लिक करना है और आपका सॉफ्टवेयर वगैरह जो सॉरी ड्राइवर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होने के बाद एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए और खाओ पियो पीसा मारो।